नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं LMB का, फोर व्हीलर का, उसमें आपको क्या क्या और कौन सा तरीका से आपको वहाँ पे गाड़ी चलाना पड़ेगा, तो वही आपको आज दिखाने वाला हूँ। उसमें तीन चार तरीके से आपको चला के दिखाना होगा। सबसे पहले आपको पार्किंग, जैसे आप कार कहीं भी लेके जा रहे हैं तो आपको पार्किंग का एक समस्या रहता है, उसमें छोटा सा जगह मिल गया आपको तो उसमें आप पार्किंग कैसे करेगा वो दिखता है। दूसरा, एक थोड़ा ऊंची जगह पे आपका, उसमें अगर स्टार्ट बंद हो गया तो आप कैसे गाड़ी चलाएगा हिल्स एरिया में ख़ास तौर पे, तो उसमें हिल्स एरिया में आप कैसे पिकअप लेते हैं वो दिखाना पड़ेगा। एक दूसरा, एक एट ट्रैक होता है जो इंग्लिश का एट है, उस ट्रैक में आपको राउंड गाड़ी चलाना होगा, उसमें कैसे किस तरफ से चलाएंगे वो एक टेस्टिंग होता है। दूसरा, एक रिवाइस, सबसे मतलब ये होता है, दिक्कत होता है रिवाइस चलाने में, क्योंकि थोड़ा बहुत उल्टी इसमें राइट कट मारेगा तो लेफ्ट जाते हैं, तो वही दिक्कत होता है, वो रिवाइस भी आपको चला के आपको दिखाना पड़ेगा। तो वही आज आप लोगों के लिए मैं ये शेयर करने वाला हूँ क्या क्या होता है उसमें, वही चार बात जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला बात ये है कि आपको जब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, उसमें जब लाइसेंस बनाने के लिए जा रहे हैं, आप पहली बार जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मतलब अब पहले पैनिक नहीं हो गया तो आप मतलब उधर डर के मारे चला नहीं पाएगा, तो इसलिए पहले डरना नहीं, हिम्मत से सब चलाना है। और उसमें क्या क्या है सभी देख लेना है, ऊपर लाइट रहता है, ग्रीन लाइट जब भी होगा तभी आप उसको गाड़ी को स्टार्ट करके आगे लेके जाना है, या पार्किंग करवाना है, या आपका जो रिवाइस होता है वही सब मतलब ध्यान से करना है, थोड़ा धीरे धीरे करना है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं करना है। अगर इसमें सेंसर में एक बार भी आपका लग गया तो समझ लीजिए आपको फिर से दो एक दो महीना फिर आपको भेज देगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कार पार्किंग के लिए जा रहे है, पार्किंग किस तरह से करते है वही मतलब ऐसे इसमें दिखाया जा रहा है। ये एक्चुअली वो गूगल का फुटेज है, जैसे धीरे धीरे करके पार्किंग करना होगा, जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगा तभी स्टार्ट करना है। और इसमें फाउल क्या क्या होता है जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे रिवर्स करके जा रहे हैं, अगर ये जो सेंसर है ना, वो रेड खंबा दिख रहा है सेंसर है, उसमें अगर लग गया तो आपका फाउल हो जाता है। और ये है आपका, जैसे हिल्स थोड़ा ऊँचा है आगे आगे की तरफ, तो ऊँचा में कैसे चलाना है वो दिखा रहे हैं, ये मतलब सही तरीका है। और आपका अगर फॉल्स क्या होता है देख लीजिए, अब ऊंची जगह में चला के आप से जा रहे हैं लेकिन आपका गाड़ी पीछे आ गया तो आपका फॉल्स हो जाता है, मतलब आपको उसमें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, ये एट इंग्लिश का एट है ना, इसमें आपको राउंड करके ऐसे चला के दिखाना लेफ्ट या राइट से, हर तरफ से आराम से चला के जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये आपका फॉल्स कैसे होता है, इसमें क्या करने से फॉल्स होता है, देखिए सेंसर लगा हुआ है रेड कलर का खंभा का, जैसे छोटा सा है, उसमें अगर टच हो गया तो आपका फॉल्स हो गया, एक भी खंभे में टच हो गया तो आपको फॉल्स हो जाएगा, तो आपका लाइसेंस फिर एक दो महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। रद्द तो नहीं होगा, आपका फिर LL में रहना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल लाइसेंस नहीं मिलेगा। और ये है आखिरी है, ये है रिवाइज टेस्ट, तो रिवाइज करने से टाइम में बहुत ध्यान से करना है, स्लोली करना है, इतना भी स्लोली नहीं करना, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ऐसा, लेकिन आराम से करना है। और रिवाइज में बिल्कुल सीधा नहीं होता है, लेफ्ट राइट थोड़ा कटिंग है, उसी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, देखिए जैसे गाड़ी कर रहे हैं आराम से। हाँ, और इसमें फाउल कंडम सेम वही है, जो आपको अगर ये जो सेंसर है पीछे वाला पहिया अगर लग गया तो, बॉडी भी लग गया तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर स्क्रीन में देखता रहता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपका गाड़ी लग चुका है, बोलो जैसे गाड़ी आपका सेंसर में टच होगा तो कंप्यूटर स्क्रीन उसमें बिल्कुल दिखा देगा आपका गाड़ी इसमें टच हो चुका है बोल के, तो आपका लाइसेंस फिर भी ओरिजिनल लाइसेंस मिल नहीं पाएगा, फिर आपको LL में रहना पड़ेगा। तो इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो बेल आइकन है उसको भी बजा लीजिए, और कुछ अगर कमेंट करना है
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक्स आप लोगों को दे देंगे। एंड वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।